तो बेसिकली हम लोग का जो यूनिट 2 है वो थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग है, और हम लोग अगर इसको सिलेबस को देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे यूनिट 2 मेटल कटिंग है। मेटल कटिंग में आपका सिंगल पॉइंट और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के बारे में बेसिक डिस्कशन है, ऑर्थोगोनल कटिंग है, वेरियस फोर्सेस कंपोनेंट्स हैं, चिप फॉर्मेशन है, टूल वेयर है, टूल लाइफ है। हेलो, सर वॉइस बहुत कम आ रहे है। यस अब आ रही है? सर आ रही। ये बेसिक चीजें हैं जो आपकी यूनिट 2 की शुरुआत में है, जो मेटल कटिंग से रिलेटेड है, वहीं आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग में बेसिकली सबसे पहली जो चीज है वो टाइप ऑफ कटिंग टूल। बेसिकली 3 तरीके के टूल्स हम कटिंग में, किसी चीज की मेटल की कटिंग में यूज करते हैं। आप लोग ने लेथ मशीन देखी होगी सबने, तो उसमें ज्यादातर जो यूज करते हैं वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज करते हैं, देखा है ना आपने? यस सर देखा। वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, डबल डबल पॉइंट कटिंग टूल होता है। जैसे ड्रिल मशीन में जो लिप्स होते हैं ना वो 2 होते हैं, वो डबल पॉइंट या 2 पॉइंट कटिंग टूल कहते हैं। और जैसे मिलिंग कटर होता है, खाली इसमें पतिया कैसे इसमें लाता गियर टाइप आप आज के कहिए डिफरेंट कटिंग कल है इतना एजेस चुमाई लगे में रहते हैं, नीम का हाथ रहा है तो मिला ये धान कर है लीजिए। यार देना काल अंडा हाँ म्यूट कर लो। तो तीसरे टाइप का जो है, जिसमें 2 से ज्यादा एजेस होती हैं, कटिंग पॉइंट होते हैं, उसको हम मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कहते हैं। जैसे कि हमारा मिलिंग कटर्स में होता है, हॉपिंग मशीन में होता है, ब्रोचिंग मशीन में होता है, गियर शेपिंग कटर्स में होता है। आगे बढ़ते हैं, ज्योमेट्री ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल डिस्कशन शुरू करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है ये आपके जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्योमेट्री ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। बोथ मटेरियल एंड ज्योमेट्री ऑफ द कटिंग टूल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ अचीविंग इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ द मशीन। ये बेसिकली एक हमारा कटिंग टूल दिखाया गया सिंगल पॉइंट। ये जो टूल है ये देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट पे आके मशीनिंग परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए इसको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कहते हैं। ये देखिए, अगर इसको सर्कुलर वेलोसिटी जो मिल रही है उसकी वजह से कटिंग हो रही है, ये इसकी चिप फॉर्म हो रही है। यहाँ पे देखिए, जब जब जो है वर्क पीस टूल की तरफ आ रहा है तो ये मटेरियल रिमूव होके चिप फॉर्म हो रहा है। तो द वर्ड टूल ज्योमेट्री बेसिकली रिफर टू सम स्पेसिफिक एंगल और स्लोप ऑफ सेलियंट फेसेस एंड एजेस ऑफ द टूल्स एट देयर कटिंग पॉइंट। रेक एंगल, क्लियरेंस एंगल आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर ऑल कटिंग टूल्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ रेक एंड क्लियरेंस एंगल विल बी क्लियर फ्रॉम सम सिंपल ऑपरेशन। बेसिकली जो रेक और क्लियरेंस एंगल है वही सबसे ज्यादा मेन इम्पोर्टेंट एंगल्स हैं जो जो हम लोग जो है डिस्कस करेंगे आगे चल के, और जो हमारे कटिंग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो बात करते हैं रेक एंगल की। रेक एंगल बेसिकली वो एंगल होता है जिसको यहाँ से देखिए दिखाया गया है, इसको कहीं कहीं गामा से शो करते हैं, कहीं अल्फा से शो करते हैं। ये बेसिकली वो एंगल होता है जो 90 डिग्री जो रेफरेंस प्लेन है वो बना रहा होता है रेक सरफेस से टूल के। 90 डिग्री रेक सरफेस से जो भी एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ रेक सरफेस फ्रॉम द रेफरेंस प्लेन इज नोन एज रेक एंगल। इस एंगल को हम लोग रेक एंगल कहते हैं। बात करते हैं क्लियरेंस एंगल। ये क्लियरेंस एंगल जो दूसरा सरफेस होता है टूल का, टूल के 2 सरफेस है, टूल के 2 सरफेस हैं। अभी जैसे कि मैं यहाँ बनाऊंगा टूल, बेसिकली कुछ हम लोग जब शो करते हैं तो कुछ इस तरह से शो करते हैं। तो जो सरफेस जिसपे चिप बढ़ के ऊपर जाती है, इस सरफेस को हम लोग रेक सरफेस कहते हैं, और जो सरफेस दूसरा वाला होता है उसको हम लोग जो है ना वो हमारा प्लैंक फेस होता है। ये रेक फेस होता है, ये प्लैंक फेस होता है, दिस इज प्लैंक फेस। ये जो एंगल 90 डिग्री से बनाएगा यहाँ, ये दिस इज रेक एंगल। और ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन से एंगल जो बनाएगा ये वाला,
दिस इज क्लियरेंस एंगल। सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? ये है हमारे, ये रेक एंगल और क्लियरेंस एंगल है। ये जो नीचे रहा सर्कल, देखो जो एंगल हॉरिजॉन्टल से बना रहा है, इसको हम क्लियरेंस एंगल अल्फा से शो कर रहे हैं। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ क्लियरेंस ऑफ प्लैंक फेस फ्रॉम द फिनिश सरफेस। रेक एंगल इज प्रोवाइडेड फॉर ईज ऑफ चिप फ्लो। रेक एंगल क्यों प्रोवाइड करते हैं? ताकि ये जो चिप बन रही है वो आसानी से फ्लो कर जाए। ठीक है, रेक एंगल में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। रेक एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, तीनों हो सकता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। रेक एंगल पॉजिटिव, रेक एंगल जीरो और रेक एंगल हमारा नेगेटिव। ठीक है, रेक एंगल पॉजिटिव तब होगा जब हमारा ये जो रेफरेंस प्लेन है उससे हमारा ये जो टूल का सरफेस है वो कुछ एंगल पे पॉजिटिव नीचे की तरफ होगा, उसे हम तब कहेंगे पॉजिटिव रेक एंगल। जब हमारा टूल का सरफेस रेफरेंस प्लेन से कंसाइड कर जाएगा तो रेक एंगल जीरो हो जाएगा, और जब हमारा टूल का सरफेस रेफरेंस प्लेन को आगे पार कर जाएगा तो हमारा रेक एंगल नेगेटिव हो जाएगा। ये हमारे रेफरेंस प्लेन है, रेफरेंस प्लेन ये है तीनों के लिए। जब पहले होगा तो पॉजिटिव, जब कंसाइड कर जाएगा दोनों तो जीरो, और जब जो है हमारा उसको रेफरेंस प्लेन को पार कर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो तीन टाइप के हमारे रेक एंगल हैं। एडवांटेज क्या होते हैं सच रेक एंगल के? पॉजिटिव रेक एंगल हम लोग तब प्रोवाइड करते हैं जब हमें कटिंग फोर्स को रिड्यूस करना होता है, तो रिड्यूस कटिंग फोर्स एंड कटिंग पावर। जीरो रेक एंगल तब यूज करते हैं टू सिंप्लीफाई डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ द फॉर्म टूल्स। बहुत सिंपल डिजाइन और मैन्युफैक्चर के लिए हम लोग जीरो रेक एंगल यूज करते हैं। और नेगेटिव रेक एंगल तब यूज करते हैं टू इंक्रीज इट्स एज स्ट्रेंथ एंड लाइफ ऑफ द टूल। जब हमें जो एज है हमारी टूल की उसकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए और टूल की लाइफ को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। क्लियरेंस एंगल, क्योंकि जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारा जो ये टूल है हमारा, इसका ये वाला जो फ्लेंग सरफेस है, ये नीचे वाला, वो जो है ना हमारे सरफेस से, मशीन सरफेस से घिसेगा। तो बेसिकली उसको इसीलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारा जो फ्लेंग सरफेस है वो हमारे वर्कपीस जो मशीन हुआ है उसको उससे घिसे नहीं, और हमारा जो है टूल और वर्कपीस के बीच में कोई कांटेक्ट ना आए नीचे आ रहे सरफेस में। तो क्लियरेंस एंगल इज एसेंशियली प्रोवाइडेड टू अवॉइड रबिंग ऑफ द टूल फ्लैंग विद द मशीन सरफेस व्हिच कॉजेस लॉस ऑफ एनर्जी एंड डैमेज। सरफेस फिनिश भी जो है ना इफेक्ट करेगा, क्योंकि अगर घिसेगा सरफेस पे जिसको मशीन किया उसकी सरफेस फिनिश भी खराब हो जाएगी। दूसरी चीज है, इसको पॉजिटिव ही रखते हैं और इसकी वैल्यू होती है 3 से 15 डिग्री के बीच में क्लियरेंस एंगल की। आगे बढ़ते हैं। ये बेसिकली ज्योमेट्रिक टूल ज्योमेट्री के सिस्टम्स होते हैं हमारे। एक तो ये है हमारा ORS, ऑर्थोगोनल रेक सरफेस। पहला वाला होता है मशीन रेफरेंस सिस्टम, जिसे ASA कहते हैं। ये आपके बेसिकली सिलेबस में है नहीं। ये एक सिंपल डायग्राम है एक कटिंग टूल का, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का, जो शो कर रहा है। ऊपर का जो अभी हमने बताया था, दो सरफेसेस होते हैं, एक रेक फेस होता है, एक फ्लैंक फेस होता है। रेक फेस के ऊपर हमारी चिप्स कट के ऊपर की तरफ जाती हैं, फ्लैंक फेस नीचे की तरफ का होता है। ये ऑक्सिलरी कटिंग एज है, ये हील है। इस पॉइंट को हम लोग नोज कहते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड नोज ऑफ द टूल। ये शैंक कहलाती है, यही शैंक जाके टूल जो पोस्ट होता है ब्लेड का उसी में जाके फिक्स होती है और उसके बाद कटिंग होती है। ये बेसिक फीचर है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का। ये बेसिक पार्ट्स हैं हमारे टूल के। पहला पार्ट है शैंक, द पोर्शन ऑफ द बिट व्हिच इज नॉट ग्राउंड टू फॉर्म कटिंग एज एंड इज रेक्टेंगुलर इन क्रॉस सेक्शन। ये बेसिकली रेक्टेंगुलर होती है क्रॉस सेक्शन में,
और ये यही होती है जिससे हमारा टूल होल्ड होता है। दूसरा होता है सरफेस फेस, द सरफेस अगेंस्ट विच द चिप स्लाइड्स अपवर्ड, रेक फेस या फेस इसी को कहते हैं। तीसरा है फ्लैंक, फ्लैंक होता है जो नीचे वाला सरफेस होता है जो क्लियरेंस जिसपे हम प्रोवाइड करते हैं। हील होता है लोएस्ट पोर्शन ऑफ द कटिंग एज, साइड कटिंग एज। नोज रेडियस, हमारे नोज अभी अभी हमने दिखाया था जो एज है पर एंगल हमारी, नहीं समझ पा रहे। ठीक इसके लिए एक और हम एक डायग्राम अलग से शेयर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें आपको हम ये चीज क्लियर कर देंगे। ठीक है, ये सारे एंगल हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर देंगे। ये आपकी टूल ज्योमेट्री है ASA, जो अमेरिकन स्टैंडर्ड है, उसके अकॉर्डिंग आप ये जो नोमेनक्लेचर है आपको ये याद करना पड़ेगा। ASA जो सिस्टम होता है आपका टूल ज्योमेट्री का, उसमें यही होता है बैक रेक, साइड रेक, बैक क्लियरेंस, साइड क्लियरेंस एंड कटिंग एज, साइड कटिंग एज और नोज रेडियस। BS, BS, ESN इसका जो वो होता है शॉर्ट फॉर्म, BS, BS, ESN। आपको ऐसे याद रखना है, अगर आपसे पूछेगा डेजिग्नेशन ऑफ टूल ज्योमेट्री ASA मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड सिस्टम में, तो कैसे होगा ये होगा। और इसको जो हम लोग बेसिकली जो डिनोट करते हैं वो कुछ इस तरीके से करते हैं, ये बैक रेक एंगल, ये साइड रेक एंगल, ये बैक क्लियरेंस, साइड क्लियरेंस, एंड कटिंग एज, साइड कटिंग एज, और आर जो है वो नोज रेडियस है। ये देखिए नोज रेडियस यहाँ दी हुई है, इंच में दी हुई है। ठीक है, तो ये बेसिकली डेजिग्नेशन ऑफ टूल होता है ASA सिस्टम में। बेसिकली दो तरीके की कटिंग होती है, प्रोसेस होते हैं, एक ऑर्थोगोनल होती है, एक ऑब्लिक होती है। ऑर्थोगोनल 2 डायमेंशनल होती है, ऑब्लिक 3 डायमेंशनल होती है। ऑर्थोगोनल में आपका टूल जो है वो सरफेस के 90 डिग्री में चलता है, और ऑब्लिक में अदर देन 90 डिग्री में चलेगा। ठीक है, इसके डिफरेंस आप लोग अभी हम ये फाइल भेजेंगे तो पढ़ लीजिएगा एक बार।